हेल्पलाइन द्वारा एक शाम नारी शक्ति के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज की मिथुन शक्ति और एनएसएस की छात्राएं मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुशीनगर सांसद विजय दुबे व विशिष्ट अतिथि चौरी चौरा विधायक संगीता यादव ने छात्राओं का उत्साह वर्धन किया। होती है तब से लेते हुए माँ के रूप में जब गोद में बच्चा रखती है तब से यहाँ तक कि एक बहन एक पत्नी के रूप में नारी सेवा करती है। और मेरा क्वेश्चन वहीं पे उठता है और वास्तव में इसको हटाना भी हम लोगों को पड़ेगा कि एक दिन नारी के नाम क्यों, जब 365 दिन 24 घंटे नारी सेवा करती है, नारी पुरुषों के लिए अपना पूरा जीवन निछावर करती है। नारी के रूप को इतने अच्छे से जोड़ा तो हम सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिनका दिन है तो शक्ति का नमन है सभी शक्तियों को। और बस कुछ कहना नहीं है जो कहूंगी क्योंकि शब्दों की साथी महिला दिवस पे आयोजित अल्पाइन फाउंडेशन और रागनी हेल्पलाइन द्वारा इस सभागार में महिलाओं का सम्मान भी हो रहा है। आज इन लोगों का विशेष कार्यक्रम है, मैं इन लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम को आज के दिन इन्होंने रखा है। और आज ही के दिन अल्पाइन क्लब का भी इन लोगों ने यहाँ पे उद्घाटन कराया है, यानी कि महिलाओं की यूनिटी करके उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए ये दोनों फाउंडेशन मिलकर काम कर रहा है। और वास्तव में नारी के सम्मान के लिए दृढ़ता के साथ सभी को, क्योंकि नारी सबके घर का सम्मान होती है, पुरुष अगर गौरव है अभिमान है, मैंने यहाँ बोला भी है, तो नारी सम्मान है। के पे मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि शहर में जितनी जल्दी हो सके महिलाओं के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं, जितने भी तरह के क्राइम हो रहे हैं, उसमें प्रशासन अपना पूरी तरीके से सपोर्ट करे, क्योंकि अधिकतर महिलाएं ऐसी हैं जिनके संग कुछ हो रहा है बट वो उन्हें नहीं बता पाती हैं। तो रागिनी हेल्पलाइन के थ्रू हम यही चाहते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन प्रशासन से हमें पूरा सपोर्ट मिले कि हम उन महिलाओं को प्रॉपर इंसाफ दिला सकें, उनके संग जितनी बेटर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रशासन से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती हैं, तो हम उन्हें डायरेक्टली अपने थ्रू रागिनी हेल्पलाइन के थ्रू कोऑर्डिनेट कराकर उनको ऐसी सुविधा दे सकें जिससे कि वो इजीली सारे प्रॉब्लम से जो भी क्राइम से इन सब चीजों से निकल सके। चंद्रकांती।